श्रद्धा हत्याकांड, माणिकपुर पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। दिल्ली पुलिस अब तक कर चुकी है 14 लोगों के बयान दर्ज। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच के सिलसिले में वसई आई दिल्ली पुलिस को यहां अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस अब तक उन 14 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है जो श्रद्धा के संपर्क में थे। रविवार देर रात तक 11 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, जबकि सोमवार को और 3 लोगों के बयान लिए गए। दिल्ली पुलिस को यहां कोई खास सफलता न मिलने से माणिकपुर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा का इलाज करने वाले ओझान अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे से पूछताछ की। डॉक्टर शिंदे ने ही 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक उसका इलाज किया। श्रद्धा के एक अन्य दोस्त का भी दिल्ली पुलिस ने बयान लिया है। दिल्ली पुलिस ने पूनम बिरलान से भी काफी देर तक पूछताछ की। श्रद्धा से जब आफताब ने मारपीट की थी तो श्रद्धा पूनम बिरलान के पास मदद के लिए गई थी, जिसके बाद पूनम ने श्रद्धा को राहुल रॉय व गॉडविन रॉड्रिक्स के साथ तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत करने भेजा था। उस वक्त तुलिंज पुलिस ने श्रद्धा से लिखित शिकायत पत्र लिया था, जो बाद में उसने पुलिस से वापस ले लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्रद्धा के पिता जब उसकी मिसिंग शिकायत दर्ज करने गए थे तो पहले माणिकपुर ने शिकायत नहीं ली, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को फोन करने के बाद 12 अक्टूबर को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। 12 से 26 अक्टूबर तक आफताब से कोई पूछताछ नहीं की गई, जिससे उसे सबूत मिटाने का मौका मिल गया। साथ ही उसने अपने परिवार को भी वसई से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर वसई में राजनीतिक व सामाजिक संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को बीजेपी नेता किरीट सोमिया वसई आए और श्रद्धा वालकर के पिता से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि परिवार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत न्याय की गुहार लगा रहा है। श्रद्धा के पिता का कहना है कि मेरी बेटी के साथ जो घटना हुई है, इस तरह की घटना दूसरों की बेटी के साथ न हो, इसलिए आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोमिया ने कहा कि हम सब उनके साथ हैं, हमने तमाम बड़े आला अधिकारियों से उनकी बात कराई है और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।